जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे, स्वस्थ तो होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने राजस्थान में जो अभी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था वो आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमें स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू करनी चाहिए या हमें स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिन कैंडिडेटों के बहुत गजब का स्कोर हो रहा है, वो कैंडिडेट तो जिस दिन एग्जाम दिए थे उसी दिन से उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो अपनी खुद खुद की आंसर की जारी करते हैं, और कोचिंग वाली आंसर की और ऑफिशियल आंसर की के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। तो जिन कैंडिडेटों का कोचिंग वाली आंसर कियों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर हो रहा था, वो कैंडिडेट तो जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन से स्टेनो की जो स्किल है उसकी तैयारी शुरू कर दिए थे। अब जिन कैंडिडेटों का बहुत गजब का स्कोर नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा खराब स्कोर भी नहीं हो रहा, मतलब बीच की कंडीशन में है, वो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि जिनका बहुत कम स्कोर हो रहा है उनको लग रहा है कि हमारा तो किसी भी हालत में नहीं होने वाला, यदि भगवान खुद चाहकर भी करे ना तो भी हमारा नहीं होने वाला, तो उन्होंने तो उसी दिन से दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जो बीच के ना, जिनका न तो बहुत गजब का हो रहा ना बहुत कम स्कोर हो रहा, वो बेचारे बीच में फंस गए। अब वो सोचता है कि हमें स्किल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो रात को सोचकर सोते हैं कि यार हमें स्किल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, होगी जो देखी जाएगी। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं और स्किल की तैयारी करने की सोचते हैं, तब उनके विचार आता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस तरीके से रात को कुछ और सोचते हैं, सोने से पहले कुछ और सोच रहे हैं, सोने के बाद कुछ और सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट है जिनको स्किल की तैयारी में पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाना चाहिए, और कौन कौन कैंडिडेट है जिनको पूरे डेडिकेशन के साथ स्किल की तैयारी में नहीं लगना चाहिए, उनको पूरे डेडिकेशन के साथ किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। देखो, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर 474 थी, टोटल 46,880 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। एग्जाम में अपीयर्ड होने वाले कैंडिडेटों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। ठीक है, अब यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है कि टोटल 15 गुना कैंडिडेट होने चाहिए, दूसरा कैटेगरी वाइज भी 15 गुना कैंडिडेट होने चाहिए। जैसे जनरल के 15 गुना होने चाहिए, ओबीसी के 15 गुना होने चाहिए, एससी के 15 गुना होने चाहिए, एसटी के 15 गुना होने चाहिए, ओबीसी के 15 गुना होने चाहिए, एमबीसी के 15 गुना होने चाहिए, और ओवरऑल टोटल भी 15 गुना कैंडिडेट होने चाहिए। अब ये 15 गुना कैंडिडेटों को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, इसका जो प्रोसीजर हो दो स्टेपों से गुजरेगा। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, जो टॉप 15 गुना कैंडिडेट है, यदि हम 474 का 15 गुना निकालते हैं तो 7110 आता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, टॉप 7110 कैंडिडेटों की एक अलग से लिस्ट बना दी जाएगी, जिनको सिलेक्ट घोषित कर दिया जाएगा कि हम इन कैंडिडेटों को स्किल टेस्ट के लिए शामिल करने वाले हैं। उसके बाद कैलकुलेशन निकाली जाएगी कि कोई ऐसी कैटेगरी तो नहीं बच गई जिसमें टोटल कैटेगरी वाइज तरीके से 15 गुना कैंडिडेट कंप्लीट नहीं हो रहे, और ऐसी बहुत सारी कैटेगरी होंगी जैसे एससी की, एसटी की, एमबीसी की, जिनमें 15 गुना कैंडिडेट नहीं होंगे इन 7110 कैंडिडेटों में। और कैटेगरी वाइज तरीके से 15 गुना कैंडिडेट करने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को और पास किया जाएगा। तो इस तरीके से ये मानकर चलो मोटा मोटा कि जो स्किल टेस्ट के लिए लगभग 8000 से लेकर 8500 के बीच में कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, बाकी 7110 कैंडिडेटों से कम तो किसी भी हाल में स्किल टेस्ट के लिए पास नहीं किया जाएगा। बाकी मोटा मोटा 8000 से लेकर 8500 के बीच में कैंडिडेट होंगे जिनको स्किल टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। अब हम एग्जाम के लेवल की बात करें, भाई एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था या मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते तो बिल्कुल ईजी भी नहीं कह सकते, यहाँ तक कि हम मॉडरेट लेवल का भी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का कहेंगे। मतलब जिन कैंडिडेटों ने सीरियसली तरीके से अच्छे खासे तरीके से मेहनत की ना, उनका अच्छा स्कोर हो रहा है। जिन्होंने लापरवाही के साथ तैयारी की है, जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं हुई की, उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, आजकल आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे होंगे कमेंट्स को पढ़कर। कोई कैंडिडेट बता रहा होगा कि मेरा 150 का स्कोर हो रहा है, कोई बोल रहा है मेरा 140 का हो रहा है, कोई बोल रहा है मेरे को 160 नंबर का हो रहा है, कोई 170 का, मतलब हवाबाजी कर रहे हैं।
अब देखो कमेंट्स को देखकर आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, उसके दो कारण हैं। पहला, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, उनका टारगेट ये रहता है कि हमारा तो हुआ नहीं लेकिन सामने वाले को तो परेशान कर ले कमेंट्स में कमेंट करके। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्टेनो के बारे में आज तक कुछ नहीं पढ़ा, जिनको स्टेनो लैंग्वेज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जिनको स्किल के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर इन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया और एग्जाम दे लिए, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जिसकी वजह से इस एग्जाम में तो उनका बहुत अच्छा स्कोर हो गया, लेकिन अब उन्होंने कंफर्म कर लिया कि यार मैं स्टेनो की जो स्किल टेस्ट है उसकी तैयारी नहीं करूँगा, मैं तो केवल एग्जाम देना था, जो मैंने एग्जाम दे लिया और उसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। तो जिन कैंडिडेटों की स्किल टेस्ट की तैयारी ऑलरेडी पहले से थोड़ी बहुत भी है और यदि उनका स्कोर मैं जो बताऊंगा उससे थोड़ा सा कम भी रहता है ना, तो उनको भी स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर उन कैंडिडेटों को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा जिनकी स्किल टेस्ट की अच्छे खासे तरीके से तैयारी है। अब हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज तरीके से कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेल के बारे में डिस्कस करते हैं और मेरी आप सभी कैंडिडेटों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, सभी के सभी कैंडिडेट अपना रियल ओपिनियन दो कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से हैं, आप स्किल टेस्ट के बारे में कितना जानते हैं, मतलब आपकी स्किल टेस्ट की लगभग कितनी तैयारी हो चुकी है। और इसके अलावा आपको जरूर बताना है कि इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जनरल कैटेगरी से हो, आपका स्कोर यदि 140 से 145 नंबर के बीच में हो रहा है, आपको पूरे डेडिकेशन के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाना है, ठीक है। जिन कैंडिडेटों का स्कोर 140 के आसपास हो रहा है ना, उनको भी पूरी ताकत के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि जो स्किल टेस्ट है वो कम्प्लीटली गेम बदलेगा। यहाँ पर अब की बात, स्किल टेस्ट में एक्यूरेसी का सिस्टम कर दिया कि कम से कम 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट के स्किल टेस्ट में 20% से ज़्यादा मिस्टेक होंगी तो उसको वहीं पर फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। EWS वाले, यदि आपका स्कोर 125 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप OBC से हैं, आपका स्कोर 135 प्लस हो रहा है, स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। यदि आप SC से और आपका स्कोर 110 प्लस हो रहा है, पूरे डेडिकेशन के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। यदि आप ST से हैं, आपका स्कोर 105 प्लस हो रहा है, पूरे डेडिकेशन के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। और यदि आप MBC से हैं, आपका स्कोर 125 प्लस हो रहा है, तो आपको भी पूरे डेडिकेशन के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेटों का स्कोर सिलेक्शन होगा जिनके इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। ध्यान रखना, उन कैंडिडेटों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा जिनका इसमें भी ठीक ठाक स्कोर हो रहा है और स्किल टेस्ट में भी जिनका ठीक ठाक स्कोर होगा। सपोज डेट यहाँ पर आपका बहुत गजब का स्कोर है, स्किल में आपके बहुत कम स्कोर हो रहा है तो आप फेल, ठीक है। सपोज डेट आपका यहाँ पर बहुत कम स्कोर हो रहा है, लगभग आप फिक्स मार्क्स से कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, लेकिन स्किल टेस्ट में आपने बहुत गजब का स्कोर कर दिया, ओवरऑल आपके मार्क्स अच्छे आ गए, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फीमेल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फीमेल की, जनरल की, यदि आप जनरल कैटेगरी से 130 प्लस हो रहा है तो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। OBC से हो, 125 प्लस का स्कोर हो रहा है तो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। EWS से और आपका स्कोर 120 प्लस हो रहा है तो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। यदि आप SC से और आपका स्कोर 95 प्लस हो रहा है तो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। यदि आप ST से हैं, आपका स्कोर 100 प्लस हो रहा है तो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। और यदि आप MBC से आपका स्कोर 120 प्लस हो रहा है तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिन कैंडिडेटों का स्कोर इससे ज़्यादा हो रहा है ना, या फिर फिक्स इतना हो रहा है, उन लोगों को पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी जी जान लगा देनी है स्किल टेस्ट की तैयारी करने में। जितनी आपके अंदर ताकत है उतनी ताकत लगा दो, 100% तरीके से आपका यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।